हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 15th चैप्टर जो कि प्रायिकता का है, जिसे प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, एक्सरसाइज प्रश्नावली 15.1 के कुछ सवाल हम आपके लिए सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 13 से शुरू करते हैं, 1 से 12 हम पहले आपको करवा चुके। देखिए आज क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। देखिए 13वां प्रश्न जो है हमारे पास लिखा है कि एक पासे को, पासा मतलब जो डाइस भी कहते हैं इसको, जो आपकी जो गेम होती है लूडो वाली गेम या सांप सीढ़ी वाली गेम, उसमें जो गिट्टी आप फेंकते हैं जिसपे 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं, वो उसको पासा बोलते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या क्या चीजें आ सकती है? एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता, 2 और 6 के बीच कोई स्थित कोई संख्या, या विषम संख्या। तो देखिए पासा फेंकने पे जो कुल परिणाम हमें प्राप्त होते हैं वो कौन से होते हैं, पहले वो लिख लेते हैं। पासा फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम, क्योंकि जो प्रायिकता का सूत्र है उसमें कुल परिणाम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है आपको, तो आप पहले लिख लीजिए। उसको हम एस से भी लिख सकते हैं, एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस बोलते हैं इसको हम। तो कुल परिणाम एस के अंदर हम कितने आएंगे, देखिए जब पासा फेंकते हैं तो गिट्टी में जो लूडो वाली गिट्टी होती है उसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है 2 3 4 5 या 6, ये अंक आ सकते हैं। हमें जो पहला भाग है उसमें कहा गया एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं इसके अंदर से देखिए, अभाज्य संख्याएं जो हैं वो एक तो 2 है जो अपने आप और एक के अलावा किसी और से भाग नहीं हो सकती, 3 है, 3 भी अभाज्य है, 4 तो 2 से भाग हो सकता है, 5 भी है, ठीक है। तो 2, 3 और 5 ये 3 संख्याएं जो हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं, जो ये जो कि सिर्फ अपने आप से और एक से भाग होती है और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होती। तो जो प्रायिकता रहेगी, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी किस चीज की, एक अभाज्य संख्या की, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता, यानी हम पी से लिखते हैं प्रायिकता को, एक अभाज्य संख्या, फिर से लिख देता हूं प्रायिकता पी एक अभाज्य संख्या की। जो परिणाम हमारे पास चाहिए हमें अभाज्य संख्या के लिए है वो कितने हैं, 1, 2, 3 बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 3/6 प्रायिकता बनेगी। इसको काट सकते हैं 3 के पाड़े 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2। इसी प्रकार इसका जो दूसरा भाग है उसमें लिखा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो देखिए 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्याएं आती हैं आपको पता है, 2 और 6 के बीच जो संख्याएं आ रही हैं वो हैं 3 आ रही है 4 और 5, बीच की लिखनी है, 2 और 6 को नहीं लेना, बीच की लिखनी है। तो प्रायिकता क्या होगी, 2 और 6 के बीच कोई संख्या। तो देखिए जो परिणाम हमें चाहिए 2 और 6 के बीच संख्या वो कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, और बटे कुल परिणामों की संख्या वो कितने थे, 1 से 6 तक यानी 6, तो ये भी 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो प्रायिकता आ गई 1/2। और इसी प्रकार अगर हम बात करें तीसरे भाग की, तीसरे भाग में लिखा है एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं 1 और 6 के बीच में, देखिए 1 उसके बाद 3 और फिर 5, तो जो प्रायिकता बनेगी एक विषम संख्या की वो क्या बनेगी, प्रायिकता एक विषम संख्या, जो परिणाम हमें चाहिए उनकी संख्या, विषम संख्याएं कितनी है 1, 2, 3, और बटे में कुल संख्याएं पासे पे जो होती हैं 1 से 6 तक अंक 6, काट दीजिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसकी प्रायिकता भी 1/2 आएगी। 14वां प्रश्न कर रहे हैं, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी, 52 पत्ते ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, उनमें से निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए अलग अलग हमें 6 पार्ट दिए हुए हैं इसके, तो सबसे पहले देखिए जो पहला भाग है उसमें कहा गया अभी लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह जो है उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो लाल रंग के जो बादशाह होते हैं वो कुल कितने होते हैं ताश की गड्डी में, 2, कौन कौन से, 1 तो पान का और 1 ईंट का, पान और ईंट दोनों ही लाल रंग के पत्ते होते हैं, तो 2 बादशाह होंगे 1 पान का और 1 ईंट का। तो जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता को पी से लिख दिया हमने, प्रोबेबिलिटी लाल रंग का बादशाह उसकी प्रायिकता क्या आएगी,
सूत्र लिख रहे हैं पहले, लाल रंग के बादशाह, लाल रंग के बादशाह की संख्या, जो चीज हमें चाहिए वो ऊपर रहती है और बटे में जो चीज हमारे पास कुल है, कुल पत्तों की संख्या। गड्डी में कुल कितने पत्ते हैं? 52। कुल पत्तों की संख्या ये हमने लिखना बहुत जरूरी होता है। तो लाल रंग के बादशाह आए थे 2, कुल पत्तों की संख्या होती है 52, तो प्रायिकता आ गई 2/52। काट सकते हैं 2 के पहाड़े से, 2 एकम 2 और 26 × 52 यानी 1/26। देखिए दूसरा भाग कर रहे हैं इसका। दूसरे भाग में लिखा है एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता, एक तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने होते हैं? तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12। कौन कौन से होंगे? देखिए 3 पान के पत्ते पे चित्र बना होता है, 3 ईंट के, 3 चिड़ी के और 3 हुक्म के। ये 12 पत्ते होते हैं जिनमें चित्र बना होता है। और तो प्रायिकता क्या बनेगी? प्रायिकता एक तस्वीर वाला पत्ता आने की हमारे पास जो है, प्रायिकता एक तस्वीर वाला पत्ता, सूत्र क्या बनेगा? तस्वीर वाले पत्ते की संख्या, तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हैं गड्डी के अंदर? 12 और बटे में कुल पत्तों की संख्या की गड्डी में कुल कितने पत्ते हैं, कुल पत्तों की संख्या। तो देखिए जो तस्वीर वाले पत्ते थे वो तो थे हमारे पास 12, कुल पत्ते थे 52, तो 12/52 प्रायिकता आ गई। काट सकते हैं आप इसको 4 के पाड़े पे, 4 × 3 = 12 और 13 × 4 = 52 यानी 3/13। इसी प्रकार देखिए अब हम इसका तीसरा भाग देखेंगे। जो तीसरा भाग है उसमें लिखा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे? 2 नहीं होंगे, 6 होंगे 6। 3 तो होंगे पान के और 3 होंगे ईंट के, क्योंकि पान और ईंट दोनों ही लाल रंग के होते हैं। तो प्रायिकता क्या बनी? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता जो हम निकालना चाहते हैं उसकी प्रायिकता है कि तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, लाल रंग के तस्वीर वालों की पत्तों की संख्या 6 और कुल पत्तों की संख्या 52, तो यानी 6/52। तो 2 के पहाड़े पे काट देंगे इसको भी, 2 × 3 = 6 और 26 × 52 यानी 3/26 प्रायिकता आ जाएगी। इसी प्रकार चौथा भाग हमने लिखना है। चौथे भाग में लिखा है पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो पान का गुलाम तो एक ही होता है क्योंकि लाल रंग का पान है उसमें एक ही गुलाम होगा। जिस पत्ते पे जे लिखा होता है अक्षर जे, उसको गुलाम बोलते हैं हम, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हुई पान का गुलाम आने की? पान का गुलाम, तो उसकी जो प्रायिकता बनेगी वो क्या बनेगी? गुलाम के पत्तों की संख्या 1/ कुल पत्तों की संख्या 52 यानी 1/52। पांचवें भाग में लिखा है हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता कोई भी आ सकता है। अब हुकुम के कितने पत्ते होते हैं कुल? हुकुम के पत्ते गड्डी में 13 होते हैं। तो प्रायिकता क्या हुई हुकुम का पत्ता आने की? हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्तों की कुल संख्या कितनी है? 13/ गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52, तो प्रायिकता बनी 13/52। काट देंगे इसको, 13 × 13 = 13, 13 × 4 = 52 यानी 1/4। और जो आखिरी छठा भाग है उसमें लिखा है एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम। तो ईंट की तो बेगम एक ही होती है, ईंट वाले जो पत्ते होते हैं जिसके ऊपर ऐसा चित्र बना होता है, देखिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, लाल रंग की सहायता से ही बना रहे हैं क्योंकि ईंट लाल रंग की होती है। इस तरह से एक कार्ड बना होता है लाल रंग का, ये ईंट के पत्ता इस तरह का नजर आता है आपको, लाल रंग का ईंट, ठीक है। इसमें बेगम की जो संख्या है वो एक ही है, तो बेगम हमें निकालनी थी इसकी, एक ही है वो पत्तों की संख्या। तो जो प्रायिकता बनेगी ईंट की बेगम की, वो ईंट के बेगम वाले पत्तों की संख्या 1 और कुल गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52, तो प्रायिकता आई 1/52। ये 15वां प्रश्न कर रहे हैं, ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न है। कहता है ताश की गड्डी में से 5 पत्ते निकाले, ईंट का दहला मतलब जिसपे 10 नंबर लिखा होता है वो दहला बोलते हैं उसको, गुलाम वाले पत्ते पे जे लिखा होता है, बेगम वाले पत्ते पे क्यू मतलब क्वीन और बादशाह वाले पे
के लिखा होता है, यानी किंग। ये एक दो तीन चार और एक इक्का, जिस पत्ते पे ए लिखा होता है उसको इक्का बोलते हैं। ये पांच पत्ते जो है निकाल लिए, और इन पांच पत्तों में से एक पत्ता निकालना है, और हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो जो पत्ता है वो बेगम होना चाहिए, उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए पांच पत्ते हैं हमारे पास, तो आप लिख लेंगे कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या वो है पांच हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जो है, जो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है पहले भाग में, वो क्या है, बेगम। एक बेगम की, यानी जिस कार्ड पे, जिस ताश के पत्ते पे क्या लिखा होगा वो निकालना चाहते हैं, उसकी संख्या उन पांच में से एक ही होगी, क्योंकि बेगम एक ही है पांच में से। तो प्रायिकता क्या आई, प्रायिकता एक बेगम की, यानी बेगम वाले पत्ते एक बटे कुल पत्तों की संख्या पांच, तो प्रायिकता होगी एक बटे पांच, ठीक है। इसका दूसरा भाग देखिए, दूसरे भाग में लिखा है यदि बेगम निकल आती है, मान लो बेगम आ गई पहले भाग में, तो उसे अलग रख दिया, बेगम निकलने के बाद, बेगम ने निकाल दी और उसको अलग रख दिया, बेगम निकलने के बाद कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या पहले पांच थे, अब कितने रह गए, अब चार रह गए, पांच में से एक बेगम वाला पत्ता निकाल के अलग रख दिया। और इस बात की क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता जो निकाला गया वो इक्का है, यानी इसका पहला भाग जो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है वो एक इक्के के पत्ते की निकालनी है, इक्का, इक्का मतलब जिसपे ए लिखा होता है। तो प्रायिकता एक इक्का निकलने की जो है वो कितने हैं, एक ही है इक्का भी, तो एक बटे अब कुल पत्तों की संख्या कितनी होगी, चार, तो प्रायिकता आ गई एक बटे चार। और जो बी वाला भाग है उसमें पूछा उसने कि एक बेगम आएगी, बेगम, बेगम जिसपे क्या वो लिखा हुआ था, तो वो तो पहले पार्ट में पहले ही निकाल दिया था हमने, बाहर कर दिया था बेगम निकलने के बाद कह दिया था, तो बेगम तो बची नहीं हमारे पास, अब जीरो है बेगम की संख्या। तो जो प्रायिकता आएगी एक बेगम निकालने के लिए फिर से, तो वो तो बेगम की संख्या जीरो बटे कुल ताश के पत्तों की संख्या चार, तो जीरो बटे चार यानी जीरो आएगी। सोलहवां प्रश्न कर रहे हैं, लिखा है किसी कारण से 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। खराब पेन कितने हैं, खराब पेन जो थे वो थे 12, और जो अच्छे पेन थे वो कितने हैं, वो हैं 132। किसी कारण से ये मिल गए, केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से, यानी मिश्रण में कुल पेन कितने हो गया, 12 खराब थे 132 अच्छे थे, कुल पेन हो गए, दोनों को जमा कर देंगे, दो और दो चार, तीन और एक चार, एक 144 कुल पेन हो गए। इस मिश्रण में से एक पेन को ही आपने निकालना है, और उस निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जो प्रायिकता हम ज्ञात करनी है वो अच्छे पेन की ज्ञात करना चाहते हैं। अच्छे पेन की प्रायिकता का सूत्र क्या है, अच्छे पेनों की संख्या, जो हम निकालना चाहते हैं वो हमेशा ऊपर रखते हैं, अच्छे पेनों की, फिर से लिख देते हैं, अच्छे पेनों की संख्या बटे में कुल पेनों की संख्या, कुल पेन की संख्या। तो अच्छे पेन कितने थे हमारे पास, हमारे पास अच्छे पेन थे 132, कुल पेन कितने हो गए थे हमारे पास 144। ये प्रायिकता आगे दोनों को काट दीजिए, आप देखिए दो के पाड़े पे काट देते हैं, दो छिके 12, दो छिके 12, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, फिर से दो के पाड़े पे कट जाएगा, दो तीय 6, दो तीय 6, ये दो तीय 6, दो छिके 12, फिर तीन के पाड़े पे काट सकते हैं, तीन एकम 3, तीन एकम 3, और ये तीन एकम 3, तीन दूनी 6, यानी 11/12 जो है वो अच्छे पेन की प्रायिकता है। 17वां प्रश्न कर रहे हैं, दो भाग है 17वें प्रश्न के। पहले भाग में कहा गया कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। कुल बल्ब देखिए हमें जो दे रखे हैं, पहले भाग की अगर मैं बात करूं, कुल जो बल्ब हैं वो 20 हैं, उसमें से जो बल्ब खराब हैं वो हमें दे रखे हैं 4, तो जो अच्छे बल्ब बचे उसमें जो ठीक बल्ब थे वो कितने बचे, फिर 20 टोटल थे, 4 खराब थे, बचे 16, यानी 16 बल्ब बचे हुए। अब इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि ये बल्ब जो है वो खराब होगा। तो देखिए प्रायिकता ज्ञात करनी है खराब बल्ब की, खराब बल्ब की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो क्या लिखा जाएगा, खराब बल्बों की संख्या ऊपर आएगा, खराब बल्बों की संख्या और बटे में कुल बल्बों की संख्या, यानी कुल कितने बल्ब थे, कुल बल्ब, ठीक है। खराब बल्ब तो थे हमारे पास 4,
कुल थे 20, 4/20 प्रायिकता की काट देंगे इसको, 4 × 4, 4 × 5, 20, यानी खराब बल्ब की जो प्रायिकता है वो 1/5 आ गई पहले भाग में। दूसरे भाग में लिखा है, देखिए प्रश्न में कहता है यदि मान ले कि जो पहले भाग में हमने ऊपर जो बल्ब निकाला था वो खराब नहीं था, वो ठीक था, और उसे दोबारा बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता, दोबारा बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता, मतलब दोबारा हमने नहीं मिलाया, तो पहले कुल कितने बल्ब थे 20, अब कितने बचे कुल बल्ब, अब बच गए मेरे पास 19, क्योंकि 20 में से एक हमने निकाल दिया, लिख देते हैं 20 - 1, 19 बच गए, और जो पहला बल्ब हमने निकाला था वो खराब भी नहीं था, तो इसका मतलब अब जो खराब बल्ब है वो कितने हैं, वो तो अब भी 4 ही है, तो अच्छे बल्ब जो पहले वाले भाग में जो बल्ब निकला वो खराब नहीं था, मतलब वो अच्छा बल्ब था, तो अच्छे बल्ब कितने बच गए, अब 19 तो कुल बल्ब थे, 4 खराब थे उसमें, तो 19 में से 4 गए, 15 बल्ब अच्छे बच गए। अब हमें जो ज्ञात करनी है प्रायिकता, वो इस बात की ज्ञात करनी है कि जो बल्ब अब निकालेंगे वो खराब नहीं होगा, वो अच्छा बल्ब होगा, तो यानी प्रायिकता जो हमें निकालनी है वो अच्छे बल्ब की निकालनी है, तो सूत्र क्या रहेगा, अच्छे बल्बों की संख्या, अच्छे बल्बों की संख्या ऊपर आएगा और बटे में कुल बल्ब कितने रह गए थे, ठीक है, तो अच्छे बल्ब तो थे हमारे पास बचे अब 15, कुल रह गए थे 19, तो 15/19 अच्छे बल्ब की प्रायिकता आ जाएगी। तो देखा बच्चों आपने, ये थे कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए चैप्टर 15 प्रायिकता के 13 से लेकर 17 तक सवाल, जिनमें हमने आपको अलग अलग परिस्थितियों में प्रायिकता ज्ञात करने सिखाई है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, कक्षा 10वीं के ज्यादातर बच्चों के साथ इसको शेयर भी करना है। यदि आप चाहते हैं कि वैदिक गुरुज के आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप अभी हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।